फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है फेलियर ऑफ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इन पाकिस्तान। इससे ये भी क्लियर हो गया कि वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान में, तो जितना भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ये चाइना का चीजें खरीदी हुई है और वो फेल हुआ है। और क्यों फेल हुआ है? क्योंकि वो जो हमारी मिसाइल गलती से पहुंच गई थी वहां वो उसको डिटेक्ट ही नहीं। देखिए जैसे बोले 124 किलोमीटर अंदर गई है तो काफी उनके पास समय था डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो वीडियो शुरू करके आप पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स इंडिया के एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले केस में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। 9 मार्च वाले दिन इंडिया की तरफ से एक एक्सीडेंटल मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर कर दी गई थी। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड यही है। और अगर दोनों देशों के ऑफिशियल स्टैंड को लेकर चलें और इस पूरे इंसिडेंट को एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स इस पूरे इंसिडेंट में काफी हद तक एक्सपोज हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक फिलोसॉफिकल बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके एयर स्पेस में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगभग 3 मार्क की स्पीड से एंटर करती है और लगभग 3.5 मिनट तक आपके एयर स्पेस में रहते हुए ये मिसाइल सिस्टम 124 किलोमीटर यानी कि 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। थियोरिटिकली ये मिसाइल सिस्टम आपके किसी भी मिलिट्री बेस, हाई वैल्यू टारगेट या इवन सिविलियन इलाके को टारगेट कर सकती है। इस चीज को देखते हुए जो लॉजिकल फर्स्ट स्टेप होगा वो हॉस्टाइल इनकमिंग मिसाइल सिस्टम को शूट डाउन करना होगा। और यहाँ पर हम लोग बात बॉर्डर के बगल में 1-2 या 10-12 किलोमीटर की नहीं कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड एक्सीडेंटल फायर पाकिस्तान के अंदर 123 किलोमीटर तक गया है। कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस इतना है कि ये मिसाइल सिस्टम भारत के अमृतसर और पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर के बीच में 2.5 चक्कर मारकर आया है। उस हिसाब से पाकिस्तान का लॉजिकल फर्स्ट स्टेप इस मिसाइल सिस्टम को शूट डाउन करना था, लेकिन ये चीज हम लोगों को पता है और डायरेक्टर जनरल ISPR ने मीडिया के सामने बात करते हुए ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट नहीं किया है। एनीवेज अगर इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान के ऑप्शंस की बात की जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शंस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। आइए एक नजर डालते हैं इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। अभी की पाकिस्तानी इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड करने वाला सिस्टम HQ-9 है। ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 250 किलोमीटर की रेंज रखता है। पाकिस्तान के पास में इस समय इस सिस्टम की 4 बैटरीज हैं। इसके अलावा इस सिस्टम की 6 और बैटरीज का ऑर्डर पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, यानी कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास में इस सिस्टम की 10 बैटरीज होंगी। वहीं पर अगर मीडियम रेंज कवर की बात की जाए तो इस कैटेगरी में पाकिस्तान के पास में HQ-16 है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी चाइना से एक्वायर किया गया है और पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर की है। इस समय पाकिस्तानी फोर्सेस के पास में इस सिस्टम की 24 बैटरीज हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय पाकिस्तानी एयर डिफेंस का कवर यही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ही है। वहीं पर अगर शॉर्ट रेंज कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी में पाकिस्तान के पास में HQ-7 है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक मोबाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। माना जाता है कि इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर की है। इस सिस्टम के नंबर को लेकर डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, हालांकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी पाकिस्तान ने चाइना से ही अक्वायर किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास में काफी अच्छे नंबर में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। इनमें टाइप 59, टाइप 55, टाइप 56, टाइप 65, टाइप 58 और टाइप 54P हैं। इस सारी की सारी गन्स चाइनीज ओरिजिन की गन्स हैं। हालांकि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से सुपरसोनिक स्पीड से आ रही क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज तक चाइनीज ओरिजिन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से इस मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने में विफल रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के पास में भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कोई भी उत्तर नहीं है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से एक चीज और क्लेम की गई थी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि ये मिसाइल सिस्टम सिरसा से उड़कर आई थी, लेकिन धीरे धीरे इस इंसिडेंट को लेकर कुछ और बातें निकल कर सामने आई हैं। और जिन जिन को ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये चीज साफ कह सकते हैं कि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम सिरसा से नहीं आया था। इसके अलावा DGISPR ने इस मिसाइल सिस्टम का जो पाथ बताया था वो भी करेक्ट नहीं है। और ये दोनों चीज इस बात की तरफ इंडिकेशन देती है कि ISPR का जो क्लेम है कि उन लोगों ने थ्रू आउट यानी कि इस मिसाइल सिस्टम के पूरे पाथ को पाकिस्तान से ट्रैक किया था वो सही नहीं है। और ये चीज पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताओं में जो कमियां हैं उसको साफ साफ दिखाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स वाकई में इन्होंने दिखाया कि कितना सारे चाइना से वो चीजें लाए हैं डिफेंस के लिए. मैं तो वही सोच रहा हूँ चले ही नहीं, जो चले ही नहीं, डिप्लॉय तो किए होंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि डिप्लॉय किए होंगे, सब कुछ ही हो गया, मगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए, कार्रवाई नहीं हो पाई. ये आप कह सकते हैं कुछ ऐसे एरियाज हैं उनके जहां पर उनका डिफेंस नहीं है, मतलब कोई ट्रैजेक्टरी ऐसी गई है, मतलब जहां जहां मेन आप बोलते सिविलियन एरियाज हैं, जहां की एसेट्स हैं, बस वहीं पर ही उनकी उनकी एयर डिफेंस है और जगहों पर एयर डिफेंस नहीं है. ये भी हो सकता है. और दूसरा जो कौन सा पाथ लिया था मुझे पता नहीं है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता नहीं था कि सरसा से जो पाथ गया है वो मगर एक्चुअली कहीं और से मिसल गई थी, तो वो भी अच्छी बात है कि मतलब, मगर की पॉइंट तो वही है कि आपने या तो दो ही फैक्टर्स हैं कि इनके वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसने बिल्कुल भी कुछ कार्रवाई नहीं की, और दूसरा ये कि उस रीजन में थे ही नहीं क्योंकि उनके पास इतने सारे हैं ही नहीं. उन्होंने की एसेट पे बॉम्ब लगा रखे हैं, की सिटीज में लगा रखे होंगे जहां क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां लगा रखे होंगे, मगर जहां पे हमारा मिसल गिरा है वहां पे जब बंजर होगा, कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस एरिया का कवरेज करने की जरूरत नहीं है. मगर फिर भी मतलब पॉइंट तो यही है कि आपका एक एयर शील्ड होनी चाहिए आपके ऊपर की कोई भी चीज आपकी धरती के ऊपर कहीं पर भी आ जाए उसको इंटरसेप्ट किया जाए. ए, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये बता क्यों नहीं रहे कि इनकी वो चली नहीं, कि वहां पे थी नहीं, एटलीस्ट ये तो बता. ये किसी को पता नहीं चला, उनको तो पता है ना, क्योंकि वो लोग हमें क्यों बताएंगे. तो हमने बताया कि हमारी आ गई गलती से, तो वो भी बता दे हमारी गलती से. पाकिस्तान में ये बात कोई नहीं बताएगा कि भाई हमारे डिप्लॉयड थे वहां मगर वो पकड़ नहीं, हमें भी तो पता चले क्यों नहीं हुआ. वो बोलेंगे जी गलती हो गई, पता नहीं बंद थे या आपने ऑन नहीं किए थे या पता नहीं था ऐसा कुछ, या ये थोड़े एरियाज हैं जहाँ पे कोई एयर डिफेंस नहीं है क्योंकि बंजर भूमि है, यहाँ पे आप बंजर भूमि में किसको प्रोटेक्ट करेंगे. सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसराइल का भी. इसराइल भी जब मान लीजिए इसराइल पे जब फायर होते हैं रॉकेट्स, तो हर जो रॉकेट आ रहा है उसको वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि उस रॉकेट की ट्रेजेक्टरी देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि वहां पे क्या है. अगर वहां बंजर भूमि है बोलते जाने दो, तो वहां जाता है बंजर में गिर जाता है वो, क्योंकि उनके अपने जो मिसाइल जो इंटरसेप्टर वाले बहुत महंगे हैं. तो जब भी वहां से फायर करता है हमास वगैरह जितने भी मिसाइल्स हैं, वो सबका नहीं करते, उनका इंटेलिजेंट है कि देखो कहां गिरेगा, अगर आपको पता लग वहां पे कोई डेंजरस है तभी शूट करेंगे, अदरवाइज नहीं. सिमिलरली यहाँ पे ये कह सकते हैं हमें पता था वहां पे कोई बंदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बस ये बोले तो पता चल जाएगा, ऐसी फेंक रहे हैं. वहां पे हमारी को जरूरत नहीं थी इसलिए हमारी इंटरसेप्ट नहीं हुई. जहां मेन बंदा होगा, जहां लोग हैं, ये है वहां इंटरसेप्ट जरूर होगी. अब उसके लिए ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि और एक्सीडेंट्स हो, मगर इतना चेक करने में इतना गारंटी है कि उनके ये उनको कहते हैं अगर हेल्प चाहिए पता करने के लिए कि ये चलते हैं कि नहीं, तो हम हेल्प कर सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे. नहीं ये तो वही बात हो गई कि डेंजरस हो जाएगा, मगर मजाक वाली बात है, मगर मैं यही कहूंगा कि जो है सो है. पर ये समझ नहीं आया कि इनका चाइना का माल बाकी चल रहा था कि वहां था ही नहीं, वो पता करना मुझे. तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.